तो जैसे कि चलो भूख लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे हैं ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे, बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। से जाते हैं तो वो लेते कि वहाँ पर रुक रहे हैं बॉर्डर पे से, और वो लेते कि आगरा होके यहाँ से जाना इससे क्या बोलते निहार पे से, तो वहाँ पे भी नहीं जाने दिए। तो ये खदेड़ क्यों रहे हैं, आपको पार क्यों नहीं करने दे रहे हैं बॉर्डर, क्या बोलते? अब सर यही तो बात है कि जैसे क्यों नहीं करने दे, हम तो हमें भी पता चले कि क्यों नहीं करने दे रहे। वो अगर ये बोलते सीधा कि नहीं यहाँ से नहीं निकलोगे तुम, जहाँ आओ वहीं पे जाओ, आप बताओ सर सीधा वापस अंबाला जाए, अम्बाला जाने तक फिर सर हमें परेशानी। यहाँ सराय ख्वाजा में सेंटर अभी तक किसी ने ये नहीं बोला है कि व्यवस्था बना देंगे हम तुम्हारी। व्यवस्था बनी हुई है, सरकारी स्कूल को सेंटर बना रखा है, वहाँ रहने की खाने की पीने की हर चीज की सुविधा है। आपका नॉर्मल मेडिकल करा के आपको यूपी बॉर्डर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये डिटेलमेंट सराय थाने को दी गई है कि भाई आप यहाँ से बंदों को भरोगे और यूपी बॉर्डर छोड़ोगे बस में, ठीक है। यहाँ केंद्र बना गए, आप केंद्र में चलो, वहाँ नहाओ धो रेस्ट करो खाना खाओ, ठीक है। ऐसा छोटे बच्चे को रोड पर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत है, छोटे बच्चे बीमार होंगे और मुश्किल हो जाएगा। आप केंद्र को आपका रिजर्वेशन हो रहा नहीं हो रहा ये बताओ, रिजर्वेशन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारा, तो नहीं हो रहा तो हो जाएगा, आप करवाओ। जब आपको बोला कि भाई आप अपना आधार कार्ड अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ और अपना रिजर्वेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन हाँ रजिस्ट्रेशन तो हमारा हुआ था 3 तारीख को हुआ था, अभी तक कोई फोन नहीं आया, अभी कंफर्म नहीं आया सीट में मानता हूँ। मैसेज कंफर्म होते ही आपका मैसेज आ जाएगा आपके, ठीक है, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा भाई सीट कंफर्म हो गई है तो आप बाय ट्रेन जाओ। तो नहीं तो अब मैसेज या फोन कुछ भी आ जाता हमारे पास तो हम वहाँ से भागते भी ना, जब 4-5 दिन हो आपका रजिस्ट्रेशन हो सका, जैसे ही आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि भाई अब जाओ। तो क्या ये आगे जा नहीं सकते हैं सर? नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट ने सुविधा कर रखी है। ये आ रहे हैं अम्बाले से, तो ये तो उधर का कोई वो है ना, इन्होंने कोई वो नहीं करा, केंद्र रुकना चाहिए हमारे, हमने यहाँ पे केंद्र बना रखा अपना, तो केंद्र में हम बंदों को रोकते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, नहाते धोते हैं, अपना स्कूल है सरकारी स्कूल, अच्छा उसमें एक डॉक्टर साहब आते हैं नॉर्मल मेडिकल करते हैं और फिर इनको बिठा के बस में सुबह फिर यूपी बॉर्डर छोड़ते हैं। तो लेकिन ये तो बेचारे अम्बाले से क्या हो रहा है कि हर 10 किलोमीटर पे इनको कोई चेक पोस्ट है, फिर वापस 10 किलोमीटर भेज दे रहा है, फिर 10 किलोमीटर फिर चल कर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर कोई पुलिस वाला इन्हें खदेड़ देता है। ये ऐसी खदेड़े जा रहे हैं जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है लूडो का, उस तरह से हो रहा है इनके साथ। नहीं, नहीं, नहीं। अभी इनको मैं इसीलिए लेने फरीदाबाद से चले, ये अम्बाले से चले हैं कई दिन पहले, 8-9 दिन पहले। देखो हमने केंद्र बना रखा, हमें जो हर बंदे को रोक रहे हैं और बाइज्जत बस में बिठा के छोड़ कर रहे हैं, पुलिस केंद्र में रोकना चाहते हैं लेकिन इनको कुछ डर बैठा हुआ जिसके कारण से सेंटर में नहीं रुकते, ठीक है। हम बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के इनको सेंटर में रोकते हैं, जैसे ही 8-10 बस की वो हो जाती है उनको भरते हैं और बॉर्डर पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो ये अम्बाले से सुनते आ रहे हैं। हाँ तो ये अम्बाला का सर हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने एरिया का खुद बता रहे हैं, बदरपुर बॉर्डर से जैसे क्रॉस सराय मार्केट में आते ही हम खुद छोड़ के आते हैं। तो हरियाणा पुलिस ने बसों की व्यवस्था कर रखी है? हाँ हरियाणा पुलिस ने कर रखी है सर अपनी तरफ। कहाँ तक छोड़ते हैं फिर आप? हम इसको यूपी बॉर्डर पे छोड़ेंगे, यूपी बॉर्डर पे। हाँ जी। लेकिन ये फिर जाएंगे कैसे, इनकी साइकिलों का क्या होगा, ये जो सामान है सब कुछ उसी में लोड होगा, साइकिल छत पे चढ़ेंगे। संसाधन का कह रहे हैं कि क्या रुक पाएंगे आप लोग जहाँ जहाँ कह रहे हैं वहाँ, या आगे ही चलते जाएंगे? अभी तो सर चलते ही जाएंगे अभी। लेकिन सर ये बंदे ना बहुत कम मानते हैं, इनको पता नहीं क्या, रुकते ही नहीं है। आप खुद जाकर हमारे सेंटर को देख सकते हो, हमने जो सेंटर बना रखा है सरकारी स्कूल, मेन रोड से मुश्किल से 200 मीटर अंदर है वो, गांव वाले हेल्प कर रहे, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और हरियाणा पुलिस इनको बाइज्जत छोड़ के आती है बॉर्डर तक, ठीक है। क्या भाई अभी तो चलेंगे अभी तो हम, लेकिन आप बोलो ये नहीं रुकेंगे, हमें बता, बड़ी मुश्किल से जब पूरी फोर्स बुलानी पड़ेगी तब इनको ले जा, अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है ना तो बाई फोर्स इनको लेकर जाना पड़ता है। ये तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, ये तो मानवता का क्राइसिस है, ये तो जो क्राइम है और इसमें अंतर होता है, ठीक है। नहीं इनको वैसा लेके जा रहे हैं ना हम कि भाई ये समझा बुझा के भाई तुम रोड छोटे बच्चे, बल प्रयोग करना तो मतलब अमानवीय हो जाएगा। बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इनको समझा के भाई छोटे बच्चे हैं गर्मी में क्या जाएंगे, अब बताओ इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर हो जाता, कल शायद बहुत गर्मी थी जी, बहुत है, तो कल भी हमने बस भेजी है इधर से, आप पता कर सकते हैं सेंटर से। आज बस जाएगी क्या? आज भी जाएगी, अगर ये रुकेंगे, इनको रात भर रोकेंगे और जैसे सुबह इनका नॉर्मल मेडिकल होगा चेकअप,
करके भेजेंगे। मेडिकल चेकअप हुआ है तो अगर हाँ सुबह अगर सुबह निकल सकते तो रुक सकते हैं सुबह एक तक निकालेंगे भाई बस यूपी बॉर्डर पे ये हमारी जवाबदारी है। ठीक है ठीक है लेकिन ऐसा रोड पे मत जाओ आप छोटे बच्चों को लेके। ठीक है यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ेगा अभी? मैं यहाँ से 100 मीटर पीछे और फिर 200 मीटर अंदर मार्केट में। तो ये फिर बस इनको सुबह में छोड़ देगी? हाँ बस हाँ हाँ जी हरियाणा साइकिल इनका सामान इनके बच्चे सब बिल्कुल सब जाएंगे जी और इन्हें खाना भी मिल जाएगा खाना भी मिलेगा।